जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जिस प्रकार शरीर की रचना होती है, उस शरीर में वैद्य या डॉक्टर जो दवा देते हैं, तो उनका अनुपात भी उसी रचना के आधार पर दिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे संस्कार हुआ करते हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों से बनते हैं। अब किसने कितना क्या किया, इसका सटीक पैमाना किसी के पास नहीं रहता है। कोई गलत कर्म करके भी सुख भोग रहा होता है और कोई शुभ कर्म करके भी दुख पा रहा होता है। सब हमारे संस्कारों पर निर्भर है। तब ये जो प्रयोग बताए जाते हैं आपको, इनका भी एक कारण हुआ करता है। अब यह जरूरी नहीं है कि एक ही प्रयोग हर आदमी का रास्ता बना देगा। हां, इतना अवश्य है कि एक प्रयोग से बहुत को लाभ हो गया तो बहुत को नहीं हुआ, और जिनको नहीं हुआ वो दूसरे प्रयोग से लाभ हो जाता है उसको, किसी को और अलग प्रयोग से लाभ हो जाता है। रास्ते अनेक हुआ करते हैं, और आज मैं जो आपको रास्ता बताऊंगा वह लक्ष्मी का द्वार खुल जाएगा आपके लिए। ये बड़ा ही साधारण सरल रास्ता है और आपके लिए यह अवश्य काम करेगा। इसके लिए अब जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ के स्थान पे बैठें, पूर्व की ओर मुख करें या उत्तर की ओर मुख करें, बैठें ना बैठें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं जा रहे हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, घर में बैठकर भी कर सकते हैं, अपने बेड पर भी कर सकते हैं, और किसी दिन से शुरू कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, जब जी चाहे कर सकते हैं। दिन में एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, आपके ऊपर निर्भर करता है। पर यदि आपने इसे शुरू कर दिया अवश्य ही लक्ष्मी के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। हाथों को रगड़कर अपने मुख पर लगाएं। अब यह लगाना कैसे है? बस आप चाहे सुबह सुबह ही उठे हैं और उठ करके बैठ गए हैं अपने बेड पर बैठ गए, कहीं गए भी नहीं है, इतना सा आपने बोलना है, इसे याद कर लेना, हाथ जोड़ लेना बस, क्योंकि हाथों से यहीं से शुरुआत होगी। ओम नमो श्री माल्याधिपतये लक्ष्मी पदार्पणास्तु मम कामाः सत्याः संतु। अब आपने यह मंत्र सुना, ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर होगा, इसे याद कर लेना। ओम नमो श्री माल्याधिपतये लक्ष्मी पदार्पणम् अस्तु मम कामाः सत्याः संतु। इतना बोलने के बाद हाथों को ऐसे रगड़ना है। अब आप ये ना कहना कि कितनी बार रगड़ना है, बस ऐसे रगड़ लेना और फिर इसको अपने मुख पर लगा लेना। बस कितनी देर लगाएं ये भी सोचने की जरूरत नहीं, बस एक बार लगा लेना, 20 सेकंड, 25 सेकंड। दूसरी बार फिर यही मंत्र बोलना है
और हाथों को इसी प्रकार से रगड़ना है और इसी प्रकार से मंत्र बोलने के बाद अपने मुख पर लगा लेना है और तीसरी बार फिर यही मंत्र बोलना है, हाथों को ऐसे रगड़ना है, अपने मुख पर लगा लेना है। दोस्तों, जितनी भी भाग्य की रेखाएं हैं बदलने लग जाएंगे। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसे रगड़ने से भाग्य बदलता है, रेखाएं बदलती हैं क्या? रेखाएं अपनी जगह पर ही रहेंगी दोस्तों, लेकिन बदलने लग जाएगी किस्मत। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं या नहीं, और नहीं तो फिर कोई नहीं बदल सकता। और आप इसे करेंगे तो आपका हर्जा भी तो कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, फायदा ही फायदा होने लगेगा। लक्ष्मी जी इतना प्रसन्न होंगी, आपके ऊपर मेहरबान होनी प्रारंभ हो जाएंगी, तो फिर आएगा ना धन, और आएगा। अब कहाँ से आता है यह आप देखते रहना भाई, कितने दिन करना है अब ये आप पर निर्भर है। आपका अगर कुछ जाता नहीं करते रहें, गिनने की जरूरत नहीं है कि 11 दिन 21 दिन, गिनने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका मन लगे करें, फायदा हो करते रहें, आपके ऊपर है। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।